चलिए जय हिंद दोस्तों। फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास दस्तक में ऑब्जेक्टिव जो बीबीआई। मैं ज्यादा कुछ नहीं लाया हूँ, बस थोड़ा सा लाया हूँ, बस बिल्कुल प्रसादी के तरह लाया हूँ, प्रसादी खिलाऊंगा मैं दूसरे के तरह। ज्यादा हाईफाई नहीं लेके आया हूँ, मात्र फिर वो बहुपद का 20 ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले। चाहे क्वेश्चन कैसनो रहे, लेकिन आपको उसी तरीका से क्या करना है, सोल्व करना। तो आइए बिना विलंब किए, बिना समय गवाए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव का जवाब देते हैं। एक नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है, चलिए एक नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है बहुपद एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर फोर वाई प्लस थ्री बाई टू के घात है। कभी भी घात यदि आपसे पूछा जाए तो मेन फोकस रखना कहां पर, घात पर। अच्छा बहुपद है तो बहुपद चैप्टर है तो बहुपद तो कहवे करेगा आगे में। जैसे आप ही यदि किसी भी बिरादर से यदि मंडल है तो आगे में आपकी सो लास्ट में लिखाता है कि आप किस बिरादरी से हैं, तो आपकी लास्ट बिरादरी से पता चल जाता है कि आप मंडल है कि यादव है कि चाहे मुस्लिम है चाहे हरिजन है, जिस कोटे से आप बिलोंग करते हैं उसकी पता चल जाता है। तो उसी तरह लास्ट हम लोगों को पता करना है घात। तो एक बात बताइए, घात पकड़ने के लिए सबसे पहले समीकरण देखिए। समीकरण में कहा गया है एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर वाई प्लस थ्री बाय टू। एक बात बताइए, घात का मतलब होता है, कोई पूछेगा बताइए, घात का मतलब होता है पावर। यदि आपसे कोई पावर पूछेगा, आपको इस समीकरण में नजर दौड़ाना है, नजर दौड़ाइए, इधर देखिए, सबसे अधिक आपको पता चलेगा कि तीन क्या है, अधिक है, यानी कि x का जो बहुबली सेना है वो कितना है, दो है, इसका कितना है, दो है, इसका तीन है, इसका दो है, इसका मतलब इसका सेना क्या है, अधिक मजबूत है, अधिक अधिक बलशाली है। तो मतलब ए फॉर आओ कभी हवेली में इज द रॉन्ग आंसर और बी फॉर बरकी बहू इज द रॉन्ग आंसर। और आपको पता करना है कि इसमें सबसे ज्यादा बहुबली किसका था, एक्स का, कितना, तीन। तो जितना बहुबली यानी कि कहो ना प्यार है इज द राइट आंसर, इसमें तो दिल नहीं जला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला ये दूसरा क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, आपको उम्मीद होगा कि एक नंबर अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। दो नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यदि आपसे बहुपद यानी कि चुनने के लिए दे, जैसे यदि आपको गांव में चार आदमी को खड़ा कर दे उसमें से रंग बताने दे, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका रंग बता सकते हैं। इसी तरह वह पहचानने दिया है, चार चार आदमी को वहां खड़ा कर दिया है, ए है बी है सी है और डी है, इसमें से किसी एक क्वालिटी वाले आदमी को क्या करना है, पकड़ना। तो क्या अवंतर ज्ञानी तो नहीं है कि जो पकड़ सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी तो आपको दो संख्या मालूम होगा, वो पहला संख्या होगा प्राकृत संख्या और होगा पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या हटाइए, पूर्ण संख्या आपको मालूम होगा कि गिनती की संख्या को कौन संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। वो संख्या कहां से शुरुआत होता है, बिल्कुल रसगुल्ला से, यानी कि जीरो से लेकर जितनी भी संख्या है वो कौन संख्या है, पूर्ण संख्या। तो आइए दो नंबर चेक कर लेते हैं कौन पूर्ण संख्या, यानी कि यदि आपको कभी भी बहुपद पहचानने के लिए दे तो हमेशा याद रखिएगा, बहुपद कभी भी कहता हम कर्जा में नहीं आएंगे, यानी कि माइनस में हम नहीं आएंगे, हमेशा किसमें रहना चाहिए मेरा, पॉजिटिव में होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो एक बात बताइए, फिर पावर लेकिन किसका होना चाहिए धनात्मक, यानी कि पावर से पता करना है, जो प्लस का पावर रहेगा वो बहुपद होगा और जिसका प्लस का बहु यानी कि पावर नहीं होगा वो बहुपद नहीं होगा। तो एक बात पता कीजिए, इसका देखिए तो आगे में कुछ नहीं, छुपम रुस्तम क्या रहता है, प्लस आपको मालूम होना होगा, तो जिसका आगे में कुछ नहीं उसके आगे में क्या रहता है, प्लस। तो बताइए इसका पावर कोई पूछेगा तो, इसका पावर यदि कोई पूछेगा कुछ नहीं तो कितना छुपा हुआ है,
एक। हमेशा याद रखिएगा, यदि आपको बहुपद पहचानने के लिए दे, तो यदि प्लस में रहे पावर तो कभी भी बहुपद नहीं, यानी कि बहुपद होगा, और जिसका पावर माइनस में आ जाएगा वो बहुपद नहीं होगा। इसका पावर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए का, ए का पावर है कितना, एक तो पावर है दो, दूसरा पावर कुछ, ये माइनस को मत देखना, आप बोलिएगा इस माइनस को तो इस माइनस को मत देखना, इसकी पावर देखो कितना है, एक है, तो 2,1 ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या, यानी कि दोनों बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर बहुपद है, तो ए ऑप्शन ए। आओ कभी हवेली इज द कौन आंसर हो गया, रॉन्ग आंसर। अच्छा एक बात पता करना है, एक्स प्लस 1/x^1 आपको मालूम होगा, ऑप्शन नंबर बी थोड़ा हम लोग चेक करते हैं, एक्स है तो एक्स, पावर कुछ नहीं तो एक, एक बात बताओ यदि इसकी पावर नीचे हम उसको ऊपर ले जाना चाहेंगे तो आप बोलिएगा ये किसमें हो जाएगा, माइनस में। जैसे ही माइनस में होगा इसका पावर कितना है, एक, इसका पावर क्या हो गया, माइनस एक। हम पहले बोल दिए कि जिसका माइनस आगे में लग जाएगा वो बहुपद नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है लगता है वही क्या होगा। अच्छा आगे भी चेक इन कर लेते हैं, सी इसका पावर एक्स क्यू, ये भी, अच्छा सी का पावर कितना है, एक, तीन, एक दो, एक कितना है, एक, मतलब ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी बहुपद है। इसका आप देखिएगा तो इसका पावर कोई पूछेगा 2, 1, मतलब डी भी बहुपद है लेकिन बी बहुपद नहीं है। आओ कभी हवेली इज द रॉन्ग आंसर, बी पर बड़की बहू इज द राइट आंसर, यानी कि सी भी क्या हो गया, गलत, डी भी क्या हो गया, गलत। तो आप एक बात बताइए, बहुपद आप आसानी से पकड़ सकते हैं, जिसका ऊपर में धनात्मक चार्ज यानी कि प्लस में रहेगा वो बहुपद कहलाएगा, और जिसका रहेगा माइनस में वो बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुपद पहचानने के लिए इसको बोला जाए तो VVI, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा पढ़ते हैं, कहता है ये 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत डेंजर है, अच्छे अच्छे को हिला के रख देता है मेरे भाई, याद रखना 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए थोड़ी पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, है बहुत सरल लेकिन दिमाग में घुसाना आपके लिए आसान होना चाहिए। इस बहुपद में कोई पूछेगा हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो याद रखना इस बहुपद में ज्यादा मत माथा लगाना, माथा तो बहुत लगाना, क्योंकि इससे जितना भी क्वेश्चन आता है सब VVI, यानी कि BM बोले तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुपद से बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिलेगा बहुपद का ऑब्जेक्टिव, इसीलिए थोड़ा बहुत कम देखना, बहुत कम लाए आपके लिए ऑब्जेक्टिव, इसमें मात्र पढ़ लेना, एक वो है चर पढ़ लेना, दूसरा अचर पढ़ लेना, और तीसरा कोई पूछेगा पद पढ़ लेना, उसके बाद व्यंजक पढ़ लेना, इसके बाद कुछ समीकरण आते हैं, समीकरण आते हैं कुछ नहीं, आते हैं कुछ, समझ लिए तो कुछ ना तो बहुत बड़ा, समीकरण आते हैं, इसके बाद हम लोगों को घात पढ़ लेना, इसके बाद गुणक पढ़ लेना, गुणांक, इसके बाद शून्य, इतना पढ़ लिए तो बहुपद क्या हो गया, खत्म। एक बार बोलिएगा क्या क्या पढ़ना है बहुपद में, चर, इसके बाद अचर, इसके बाद कोई पूछेगा पद, इसके बाद कोई पूछेगा व्यंजक, इसके बाद कोई पूछेगा समीकरण, इसके बाद कोई पूछेगा घात, इसके बाद कोई पूछेगा गुणांक, इसके बाद शून्य, इतना ही तो पढ़ना। आइए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसका शून्य -2 और 6 है। जैसे शून्य सुना होगा तो आपका माथा चकराया होगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए सोचते होंगे कि आप ऐसा नहीं कीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बैठा दीजिए, x² सॉल्यूशन मारते हैं 3 नंबर, आप कहते होंगे x² -α+β(x) + α(β), आप कहते होंगे डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का मान -2 बैठाइए और α(β) का मान 6 बैठाइए। ऐसा मत करना एग्जाम में, अन्यथा तुम्हारी क्या हो सकता है, गलती ऑब्जेक्टिव हो सकता है। देखो कुछ नहीं देखना है, कौन सा क्रीम लगाया है मत पता करो, सिर्फ पता कर लो कंपनी कौन सा, कैसा क्रीम, वो कौन हाथ से क्रीम लगाया है,
क्या लगाया है, कैसे माथा मुंह पे पोछा है, इस सब मत पूछना। सिर्फ देखना कि ये जो मुंह पे क्रीम लगाया है कौन सा कंपनी का है। तो ये देखो कंपनी कौन है, दुए, एक माइनस दो और दूसरा है छो, यानी कि दो मान दिया हुआ, एक को पकड़ना, एक का बाल पकड़ना, दूसरा का नाक पकड़ना। एक का बाल पकड़ो, बाल को मान लो अल्फा, अल्फा बराबर मान बता दो माइनस दो, और नाक पकड़ो दूसरा का, नाक पकड़ने की बात करे तो मतलब कौन चीज, बीटा, यानी कि दूसरा मान हो गया छो। आपको हम पहले से फॉर्मूला लिखा दिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है बहुपद का फॉर्मूला, यानी कि दो मान जब दिए हुए तो वहां मत बैठा देना अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस दो और अल्फा इंटू बीटा का मान छो। यही हम सिखाने लाए हैं ये क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर है तो क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर अल्फा का मान बोलो माइनस दो, बीटा का मान बोलो प्लस छो, इंटू क्या है फॉर्मूला में एक्स, तो हम भी क्या बैठा दिए एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, अल्फा का मान बोलो माइनस दो, बीच में कुछ नहीं तो बुना लिख सकते हैं, नहीं लिखेगा तो रहने दीजिए, कोई दुख तकलीफ की बात नहीं है। बीटा का मान कोई पूछेगा छो, आप इसकी क्रिया कीजिए, एक्स स्क्वायर एगो है माइनस में एगो प्लस में, आपको मालूम होगा बोडमास में माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, माइनस में क्या होता है घटता है, क्या ये दो घटेगा छो में, हमारे पास दो रुपया, हम आपको छो रुपया कभी दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो हम क्या करेंगे उल्टा, आप किससे मांगेंगे, आप ही से मांगेंगे, तो आप घटाइए छो में दो जाएगा चार, लेकिन कोई पूछेगा आप पूरा क्रिया कीजिए, चलो हम पूरा क्रिया करते हैं, एक्स के एक्स उसको गुना करेंगे, छो को परो दुख परो छो मरते बारह, माइनस है तो आगे में लगा दो माइनस। एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, चार एक्स प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, इंटू बारह। एक बात बताओ कहां आंख से झलका आंसू, देखो कहां आंख से झलका आंसू, वही आंसर सही होगा, मतलब एक बार नजर घुमाओ आंसर पाओ, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस बारह, आपको शुरुआती दौर में क्या किया होगा, ए जो ऑप्शन है ये क्या है सही है, बाकी जो बी सी डी सब घंटा में जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया, आओ कभी हवेली में मुलाकात करेंगे, आंसर क्या हुआ सही हुआ, बी फॉर बरकी बहू क्या हुआ गलत हुआ, सी मतलब क्या हुआ कंपनी क्या हुआ गलत हुआ, और डी फॉर दिल जले क्या हुआ, इसका दिल तो नहीं जलाती नमा। आइए चार नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या इसका दिल जलता है देखते हैं। कहता है यदि पी एक्स का मान, फिर देखो फिर पाउडर लगा रहा है, लेकिन पाउडर कैसे लगा रहा है मालूम मत करना, देखना सिर्फ कंपनी कौन सा, पी एक्स का मान दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स माइनस बारह, तो पी वन का मान, यानी कि जहां पर पी एक्स है वहां पर पी तो पी दोनों कंपनी से, लेकिन आप थोड़ा अपडेट मारा क्वेश्चन में, अपडेट क्या मारा, बोला जहां एक्स है वहां मान कितना बैठा दीजिए एक। तो आइए क्वेश्चन नंबर चार का हम लोग भी सॉल्यूशन मारते हैं, पी का मान जगह कितना बैठाया है, जहां पी एक्स है वहां पी का मान कितना बैठाना है एक, तो बैठाइए एक। आप मुंह से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसका मतलब आपसे कह रहा है कि जहां जहां एक्स है वहां मान एक लिखिए। तो एक बात बताओ, एक का स्क्वायर करेंगे एक, पांच गुना एक करेंगे पांच, पांच टका में एक टका जोड़ दो छो टका, छो में माइनस बारह घटा दो छो में, फिर तुम बारह टका मांग रहे हमसे दे पाएंगे नहीं, यानी कि माइनस बारह टका तुम्हारे पास अधिक है, तो बारह में छो आप क्या कर दो घटा दो, तो माइनस छो क्या होगा सही होगा, लेकिन आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्स के जगह मान कितना बैठाने का था पी वन, तो जहां एक्स है पी एक्स, एक्स के जगह मान कितने बैठाना कहता है एक, तो एक। यहां देखो क्वेश्चन देखो चार नंबर क्या कहता है, एक्स स्क्वायर एक्स का मान कितने बैठाने बोला एक, तो एक का क्या करो स्क्वायर प्लस पांच एक्स, एक्स का मान कितना बैठाएंगे एक, एक कहां से लाए पी वन का मान है, इसके बाद है माइनस कितना बारह, एक का
दस लाख बार स्क्वायर करो, बीस लाख बार स्क्वायर करो, जितने बार भी स्क्वायर करो वही मिलेगा एक। तो एक के एक, पांच को एक से गुणा करेंगे, पांच माइनस बारह है तो माइनस बारह, पांच एक छह माइनस बारह, इसका मतलब बारह में छह घटा, बारह के आगे लेके चलता है माइनस, यानी कि अब तुम नजर उठाओ, आंसर पाओ, कहां माइनस छह दिखाई दे रहा। आप बोलिएगा एक बात बताइए, चार का हमें आंख से झलका आंसू, यानी कि कहो ना प्यार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, मतलब चार नंबर का भी दिल नहीं जला। आइए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर पांच, जितना इजी, एक बात बताइए, इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी जिसका कोई जवाब नहीं। एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए है, आपके लिए क्या, छोटे बच्चे को भी आपके सामने, यदि देख रहे हैं वीडियो तो, यदि आपके आसपास भी देख रहे हैं तो वो भी बैठ के सीख जाएंगे क्वेश्चन। आप तो कौन बड़ी बात है, क्योंकि आप तो हाई स्कूल के विद्यार्थी, हाई मतलब होता है उच्च लेवल के विद्यार्थी। तो आइए पांच नंबर में कहा था, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, एक बात बताइए कितना बोला, मत देखो क्रीम कैसा लगाया, खाली कंपनी पता करो, इसका कंपनी शुरू में क्या कहता है, दुई, दुई मतलब आपको पता होगा, एक मतलब एक, दुई मतलब दो, बिना सोचे समय गवाए, यानी कि एक तो कभी होगा नहीं, दुई मतलब दो, यानी कि ये तो होगा नहीं, यानी कि बरकी बहू, इसमें बरकी बहू ने क्या मारी, बाजी मारी, कंपनी भी नहीं मारी बाजी, और डी भी, यानी कि पांच तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्या कर लिया, कर लिया। आइए हम लोग पहुंचते हैं आप छह नंबर ऑब्जेक्टिव बहुपद के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर छह हम लोग आप देखते हैं, पांच तक बहुत अच्छे होगी। तो आइए छह नंबर कहता है, फिर देखो क्वेश्चन कहता है बहुपद, यानी कि बहुपद यानी कि जात है, तो वो जात अपना छोड़े कोई, अपना जात को लेके क्या बढ़ेगा आगे। तो हम लोग बोर्ड वाट भी जाते के नाम पे देते हैं, तो आइए बहुपद पढ़ रहे, तो बहुपद लीजिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस सोलह के शून्यक है, यदि कभी भी दो अंक वाला देगा तो मत निकालना शून्यक, फार्मूला बैठाना, फार्मूला बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आओ डायरेक्ट निकालते इसको क्वेश्चन नंबर छह को। यदि कोई पूछेगा क्वेश्चन नंबर छह का सोल्यूशन मारिए, एक बात बताओ, फिर देखो किस हाथ से क्रीम लगाया है, कैसे मुंह में लेपा है, मत देखो, देखो क्रीम का कंपनी कौन सा, कंपनी है एक्स स्क्वायर माइनस सोलो, इधर कुछ नहीं है, अपना मन से जीरो बैठाना, जैसे ही एक्स स्क्वायर होगा माइनस है उधर लेके आएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, सोलो। एक बात बताओ, जैसे ही प्लस का सोलो हुआ, आप इसकी रूट हम लोगों को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। आपको मालूम होगा गणित पढ़े हैं, किसी का भी यदि स्क्वायर हटे, यदि स्क्वायर इसका हटता है ये पगला जाता है, जैसे ही पगलाता है उसके अंदर रूट झड़ जाता है, चढ़ जाता है, झड़ता नहीं सॉरी मेरे बात, क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता, जैसे ही रूट चढ़ा अब कहता हम निकलेंगे, बोला जैसे निकलेगा अब प्लस माइनस का क्या होगा, यानी कि यही पर लग जाता है, जैसे भी किसी भी चीज का स्क्वायर हटा वह प्लस माइनस रूट के अंदर क्या बैठ जाएगा, सोलो। अब एक बात बताओ, जैसे ही सोलो का कोई पूछेगा वर्गमूल बताओ, चार चौक सोलो, आप बताओ कै गो, एक गो प्लस में एक गो माइनस में, तो एक गो प्लस में एक गो माइनस में, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या रहता है, प्लस। एक बार नजर उठाओ, आंसर पाओ छो का, एक बार बताओ कहाँ है प्लस चार माइनस चार, इधर से आओ, कोई नहीं, दिल जले नहीं होगा, अच्छा माइनस माइनस कंपनी भी नहीं होगा, बरकी बहू प्लस प्लस है ये भी नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि एक गो प्लस में है दूसरा माइनस में। एक बात बताओ, सात नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, हर एक कंपनी से क्वेश्चन आता है, लेकिन ये जो है बिल्कुल सस्ता क्वेश्चन है। आइए फिर कहता है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन के शून्य अल्फा कोमा बीटा हो तो, हटाओ क्या है अल्फा बीटा हो तो, कह क्या रहा है, कह रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। इस क्वेश्चन में दुए फॉर्मूला मैक्सिमम पूछता है,
एक पूछता है कभी कभी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का यदि मान पूछे तो याद रखना अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए, यदि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पूछे होता है सी। अब कोई पूछेगा ए बी सी कहां से, क्वेश्चन में बैठाना, इसका मान लो ए ए है, ये बी है, ये तुम्हारा सी है, क्वेश्चन पे जिस क्वेश्चन जैसा जहां क्वेश्चन देगा उसी क्वेश्चन पे बैठाना ए बी सी। एक बार बताओ, हमने अभी तुरंत फॉर्मूला बताया अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बाय ए, एक बार बताओ सी का मान कितना है एक। अच्छा ए का मान इसके एक्स का आगे कुछ नहीं रहता, आपको मालूम होगा कितना रहता है एक, यानी कि सी का मान कोई पूछेगा बताओ सी का मान देखो लिख दिए कितना है एक, ए का मान एक्स के आगे कुछ नहीं तो कितना छुपम रुस्तम एक, एक बटे एक बराबर एक। एक बात बताइए आप, क्या ए सही है, आप बोलिएगा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस लगा हो। कोई पूछेगा बी है, मतलब एक ही तो है, वह नजर तो पहले देख लिए थे, आंख बसा लिए थे इसमें, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है, सी फोर कंपनी गलत है, डी पोल डिर दिल जले क्या है रॉन्ग है। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। एक बात देखो, इस तरह से कभी भी क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें ज्यादा माथा गाथा मत लगाना, माथा गाथा तो बहुत लगाना, बहुत लंबा चौड़ा आंसर आएगा, जो क्रिया अच्छा से जानता है यानी कि मैथ की पूरी ट्रिक जो जानता है, पूरा प्लस माइनस का फंडामेंटल, बीजगणित का फॉर्मूला जिसको पूरा मालूम है वही द्विघात समीकरण पकड़ पाता है। तो मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा, लेकिन जो नहीं भी जानते हैं वो भी पकड़ेंगे। इधर देखो कैसे, इधर देखो द्विघात समीकरण लाने के लिए क्या इसमें लाना पड़ता है, एक्स स्क्वायर एक गो रहना चाहिए, दूसरा एक्स रहना चाहिए, चौथा कोई संख्या रहना चाहिए, यानी कि दो चर एक अचर रहना चाहिए तब ये द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। और एक बात याद रखना, इसका यदि पूछेगा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर यानी कि जिसका जिसका देखना होल स्क्वायर वो दोनों बहुपद होगा, हर हाल पे होगा, जैसन होना पड़े, चाहे हंस के होना पड़े चाहे रो के होना पड़े, यानी कि जिसका स्क्वायर लग जाएगा वो बहुपद कहलाएगा। इसका मतलब बहुपद नहीं है, दो तो ऑप्शन वैसे छट गया ए और बी, किसके कारण स्क्वायर के चलते, ए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, जिसका स्क्वायर लग जाएगा ये बहुपद कहलाएगा, यानी कि बहुपद हर हाल में निकलेगा, तुम सोल्व करके निकालना और इस पद में जरूर आएगा, देखना तुम निकाल करके इस पद में चाहे संख्या कोई भी आएगा लेकिन इस पद में जरूर आएगा। लेकिन अब कोई पूछेगा 50-50 में खेला हो गया, 50-50 कौन सा, सी और डी में, जब दो ऑप्शन कट गया तो दो बिल्कुल इजी से पकड़ेंगे, पहले जो इजी लगता है उसको देख लेते हैं। अच्छा कौन इजी लगता है, ये बिल्कुल इजी लगता है, तो पहले डी ऑप्शन पकड़ लेते हैं, आठ का, आठ का डी ऑप्शन क्या है, 2x + 3 बराबर x² + 1। एक बात बताइए, इसका क्रिया करेंगे, यदि गुना करने जानते आप गुना कीजिएगा, x को x से गुना करेंगे x² 2 को 1 से गुना करेंगे 2, प्लस को प्लस से गुना कीजिएगा प्लस 3 × x 3x बराबर x² + 1। अब जिसको है सबको एक तरफ लाइए, 2x² + 3x प्लस है इधर लाइए माइनस, प्लस है इधर लाइए माइनस। एक बार बताइए, जो जो सेम जाति का है वो घटेगा, निश्चित है तो घटाओ, दो टेका में इसके आगे कुछ नहीं तो एक, यानी कि x का स्क्वायर। एक बार बताओ क्या बचा, 3x - 1, यानी कि ये भी बहुपद हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी बहुपद हो गया। जब एक बात बताओ, तीन ऑप्शन छट गया, वैसे ये पहले तो छट गया स्क्वायर के चलते, बी भी छट गया स्क्वायर के चलते, जब इसको निकाले तो ये भी इसी पद में आ गया, यानी कि उसी जाति में चले गया, बोले तुम भी बहुपद नहीं। एक बात बताओ बचा कौन, आप बोलिएगा और कोई और नहीं,
85 यानी कि यही मेरा क्या है, बहुपद नहीं है। घर में निकाल के देखना, सच में रियल में निकलेगा ये बहुपद नहीं है। कितना आसान था बहुपद द्विघात समीकरण पकड़ने में। देखिए ऐसे तो हम लोग बच्चे को भी नहीं पकड़ सकते जैसे हम लोग द्विघात समीकरण पकड़ लिए। आइए अगला पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 2x² - 3x - 5 का शून्यक है। मत फॉर्मूला लगाना, प्लस माइनस बी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a मत लगाना। यदि आप गुणनखंड जानते हैं, आते नाइन्थ में पढ़े होंगे गुणनखंड। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो शून्यक पूछा है, शून्यक एक तो रहता है एग्जाम में चाहे जैसे पूछे। इस शून्यक में देखो शून्यक है, डायरेक्ट देखो क्या पूछा है तुमसे, शून्यक है 2x² - 3x। जो समीकरण है वो पहले उतार लेते हैं, 2x² - 3x + 5 यही तो है शून्यक। अच्छा जैसे ये शून्यक दिया, मत फॉर्मूला लगाना, गुणनखंड तरीका, गुणनखंड बनाने का एक के नियम, पहला को गुणा करो शुरुआत से। जब पहला को गुणा करेगा शुरुआत से आपको गुणा आता होगा, बोलिएगा 10 आएगा। अब 10 को तोड़ो, कौन कौन संख्या से टूटेगा, एक बार बोलिएगा 10 गुना 1 कीजिए, एक बार बोलिएगा 2 गुना 5 कीजिए, एक बार बताइए और किसी संख्या से टूटेगा 10, आप बोलिएगा किसी संख्या से नहीं टूटेगा। अब देखो हम लोगों को ऐसा संख्या लेना है, कैसा संख्या, ऐसा संख्या लेना है जो दोनों जगह क्या हो जाए, मेच खा जाए। आप बोलिएगा ऐसा कीजिए ना, 2 और क्या ले लीजिए 5, लेकिन 2 और 5 लेंगे घटा करके बीच में कितना आना चाहिए, -3। तो एक बात बताओ 2x² माइनस में लाना है, इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा, प्लस क्या लगेगा 2x, माइनस क्या लगेगा 5x + 5। ये कोई पूछेगा कहाँ से, घर से बैठा है, बिल्कुल घर से बैठा है, लेकिन दिमाग लगाना हल्का कि माइनस में हमको 3 लाना है तो घटाओ ना, 2 में 5 जाएगा, नहीं जाएगा, 5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, इसका आगे क्या लग जाएगा माइनस। आप देखो यहाँ भी 2 दोनों में कॉमन लो, क्या लेंगे 2x कॉमन, जैसे 2x निकल गया आप बोलिएगा सिर्फ x बचा, उसके बाद बोलिएगा क्या बचा, 1 बचा। एक बात बताइए माइनस है तो माइनस, यहाँ भी 5 5 को क्या ले लिए कॉमन, x है तो x। एक बात बताइए ठीक है, सॉरी मेरे भाई, क्वेश्चन पर माइनस है हमने वहां प्लस लगा दिया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी क्या लगाएंगे माइनस। एक बात बताओ जब माइनस है तो वहां क्या बैठाएंगे प्लस, किसी एक को लो। अच्छा पहला लेंगे x + 1 × 2x + 5, आप बोलिएगा डायरेक्ट बैठाइए, प्लस में उधर आएगा माइनस, x बराबर बोलिएगा 5/2। एक बात बताइए क्या कहीं माइनस 1 नजर आ रहा है, आप बोलिएगा नजर उठाओ आंसर पाओ। एक बात बताओ क्या ऑप्शन ए में प्लस है, तो क्या ए पर आओ कभी हवेली में होगा, बोलिएगा नहीं होगा। बी पर बरकी बहू इज द राइट आंसर, यानी कि जो जीत गया वही सिकंदर। आइए सी भी नहीं डी भी नहीं, कौन जीता, बरकी बहू इस चारों में से जीत गया, तो माइनस ये क्या हो गया सही हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, फिर यही क्वेश्चन बिल्कुल जिस तरह से रसगुल्ला के रसगुल्ला बिना रस का नहीं रह सकता, इसी तरह ये क्वेश्चन एग्जामिनर बिना दिए एग्जाम नहीं ले सकता। आइए बहुपद कहता है 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का गुणनफल होगा। अभी तुरंत बताए हैं योगफल के, अच्छा योगफल के लिए प्लस और गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा का प्रयोग करो। क्वेश्चन में ए बी का मान बैठाओ, आप बोलिएगा 5 जो है 5 काम करेगा ए का, बी 14 काम करेगा बी का, 8 काम करेगा सी का। आप देखिए मान वही बैठा दिया, क्वेश्चन में बैठाना ज्यादा राइट टाइम मत करना, ऑब्जेक्टिव बना रहा है कोई, दो नंबरिया क्वेश्चन तुम सोल्व नहीं कर रहा, एक क्वेश्चन सही होगा 1 नंबर मात्र देगा कोई, तुम स्पेशल इसके लिए नहीं है कि तुम एक तो ऑब्जेक्टिव सही करेगा तुमको 5 नंबर एक्स्ट्रा देगा। तो इसका मान हुआ ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी। आप कहता है
एक बात, यदि यहाँ पर योगफल पूछता, योग मतलब होता है जोर, यानी कि जोर मतलब अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पूछा है तुमको गुणनफल, यानी कि तुमसे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा। आप बोलिएगा जैसे ही अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, मतलब हम लोगों को फॉर्मूला बैठाना चाहिए इस क्वेश्चन में, गुणनफल, गुणनफल मतलब होता है गुणा, यानी कि गुणनफल बराबर फॉर्मूला होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का बोलिएगा सी बटे ए, सी का मान हमने पहले बैठा दिया, सी का मान बोलिएगा आप 8 है, ए का मान बोलिएगा 5 है। एक बात बताओ, नजर उठाओ, आंसर पाओ, 8/5 कहाँ है, बोलिएगा ए पर आओ कभी हवेली में, नहीं चला इसका हवेली में कोई नहीं गया, बी पर बरकी बहु, बरकी बहु की भी झांसा में नहीं पड़ा, आइए सी पर कंपनी, कंपनी के पास भी नहीं गया, इस बार जो 10 नंबर का बिछारा का है वो दिल जल गया, जैसे ही दिल जला इसी के साथ हम लोग भी दिल जलाते साथ, आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर अग्रसर होते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फिर वही सा, फिर घूम फिर के वही रास्ता आते हैं, कहता है 2 - x, x - यानी कि होल ब्रैकेट x - 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। इस 11 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए पहले मैं इसको जो दिया गया है आप पहले तोड़ लीजिएगा, नहीं तोड़िएगा तो मन में ही ठानिएगा, 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस को माइनस से गुना किया माइनस, एक बार बताओ माइनस को माइनस से गुना करेंगे, बोलिएगा आप प्लस है, एक्स को एक से गुना करेंगे एक्स होगा। एक बात बताओ, जिसका स्क्वायर है इसको मान लो ए, जिसमें स्क्वायर नहीं लगा हुआ सिर्फ खलिया है इसको मान लो बी, इसको मान लेंगे सी, कोई दिक्कत? तो आइए क्या मांगा है, योगफल की गुणनफल, गुणनफल में क्या करना है गुना, अच्छा जैसे ही गुना आप बोलिएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाय ए, कोई पूछेगा सी का मान बताओ 2, ए का मान, अब देखो ए का मान इसका आगे कुछ नहीं है तो बोलिएगा ए। एक बात बताइए 2/1 बराबर, कोई पूछेगा कितना बोलिएगा -2। एक बात बताइए, नजर उठाइए, आंसर पाइए, 11 का कोई कुछ पूछेगा गुणनफल बताओ, एक बात बताओ पहला ही ऑप्शन देख गया, ऑप्शन ये क्या हो गया सही हो गया, और बी भी क्या हो गया गलत, सी भी क्या हो गया गलत, डी भी क्या हो गया गलत। आइए बिना समय गवाए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, आपको पहले बता चुके यदि बहुपद खोजना है तो वो कैसा संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में आना चाहिए, और क्या यानी कि इसका पावर कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। यदि आप इसका पावर उठाइएगा बोलिएगा ए का जो पावर है पहला है 2, दूसरा पावर है 1, एक बात बताइए ये तो पूर्ण संख्या है यानी कि ये तो बहुपद है, लेकिन खोजना है बहुपद नहीं है, अच्छा इसका पावर कोई पूछेगा कुछ नहीं तो ए, ए भी बहुपद है, इसका पावर कोई पूछेगा 2, ये भी बहुपद है, लेकिन बचा कौन एक लौता शख्स डी, यानी कि ये बहुपद नहीं है, पहले हमने बता चुका आपको। आइए क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं, 13 नंबर कहता है बहुपद x²-2x-3 के शून्य कौन से, फिर आपसे वही बजेले गीत गाने कहता तो गाइए, आइए गाते हैं तो बताइए 13 का कोई आप पूछेगा क्या पूछा है सुन्नक शून्य, क्या फॉर्मूला बैठाइएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, नहीं ये नहीं बैठाएंगे, डायरेक्ट गुणनखंड विधि सॉल्व करते हैं, पहले हिसाब दो दिया हुआ है उसको उधार लो x²-2x-3। एक बात बताओ गुणनखंड का नियम बता चुके, शुरू को गुना करो अंतिम से, किसको गुना करो शुरू को गुना करो अंतिम से, आप बोलिएगा 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 3 को 2 रो 3 × 1, और कोई पूछेगा टूटेगा आप बोलिएगा नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो x², ऐसा संख्या लिखो माइनस में आना चाहिए -2 घटा करके,
एक बात बताओ, लिख सकते हैं प्लस का एक्स, और कोई पूछेगा और बताइए, माइनस तीन एक्स घटाइए, एक्स में तीन जाएगा, माइनस टू एक्स इधर तीन है, तो यानी कि ये एक चेंज होने वाला नहीं है। चेंज होता है कौन, बीच वाला, कहां से, यही दोनों से। एक बात बताइए, आप वो एक्स कॉमन लेंगे तो बोलिएगा एक्स प्लस वन, आप कोई पूछेगा दूसरा बताइए क्या लेंगे कॉमन, तीन एक्स प्लस वन। देखिए गुणनखंड चेकिंग करने का नियम है, एक्स प्लस वन वहां पर भी, एक्स प्लस वन वहां पर भी, पहला उतार दीजिए एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन। एक बात बताइए, माइनस से उधर जाइएगा, कोई पूछेगा प्लस एक्स प्लस वन है, इधर जाएगा एक्स का मान माइनस वन। आप कोई पूछेगा ऑप्शन बताओ क्या सही है, क्या तीन कोमा एक सही है, कोई पूछेगा 13 का ऑप्शन नंबर ये क्या है, रॉन्ग आंसर है। एक बात कोई पूछेगा बी बताओ, बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सी भी क्या है गलत, डी भी क्या हो गया गलत, जब पहला ही नजर उठाई आंसर पाए और दूसरे को देखना नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यदि द्विघात बहुपद, कई बहुपद, द्विघात बहुपद, यानी कि कई बहुपद की बात करता है, द्वि बहुपद की बात करता है, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछता है। हमने आपको पहले बता चुका, अल्फा प्लस बीटा का कोई पूछेगा फॉर्मूला बताओ, पहले अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तुमको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कोई पूछेगा बी बाय माइनस बी बाय, ये यदि कि तुमसे योगफल पूछा है, योगफल मतलब यानी कि योग मतलब क्या होता है जोड़, तो एक बात बताओ वहीं पर मान बैठा हो, ये कोई पूछेगा किसका मान है ए का, ये कोई पूछेगा किसका मान है बी का, ये कोई पूछेगा किसका मान है सी का। एक बात बताओ माइनस बी बाय बी का मान बताओ, माइनस है तो माइनस एक गो फॉर्मूला से एक गो हिसाब से। उसके बाद कहता है ए का मान बोलो, ए का मान कोई पूछेगा ए, माइनस से माइनस गुना करेंगे प्लस एक बट्टे एक, माइनस को माइनस से गुना किए प्लस एक बट्टे एक, जब एक बट्टे एक बराबर एक। एक बात बताओ नजर उठाओ आंसर पाओ, माइनस ए में आंसर आया है, यानी कि आओ कभी हवेली में क्या हो गया गलत, नहीं जाना है हवेली, बी पर बरकी बहू इसकी भी छमक छल्लो कुछ नहीं चला। आइए सी में कहता है एक, यानी कि कंपनी ने इस बार क्या मारा, बाजी मारा, डी क्या हो गया गलत हो गया, तो 14 भी बना लिए। आइए बिना समय गवाए 15 पढ़ते हैं। 15 थोड़ा टफ है लेकिन आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आप जब क्वेश्चन पर बैंक पलटा करके देखिएगा तो बहुत बार पूछा गया ये सवाल है। आइए कहता है अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स टू एक्स, यानी कि स्क्वायर हुआ मेरे भाई छूट गया, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव के मूल हो तो वन बटे अल्फा प्लस वन बटे बीटा का मान होगा। इस तरह से कोई पूछेगा हमने क्या बोला आपको, ए बी का मान पहले पता कर लो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया किसका मान, सी का मान। आ जाओ लास्ट में देखते हैं, लास्ट में पूछ रहा है कैसा भोज खाने में लगा, यानी कि जब हम लोग को कौन पूछता है, जब पूरी भोज उज खा लेते हैं तब लास्ट में घर भैया पूछता है कि आपको भोज कैसा लगा, तो वही पूछ रहा है वन बटे अल्फा प्लस वन बटे बीटा का मान निकालो, कैसा तुमको अच्छा महसूस होगा कि नहीं। तो आइए 15 नंबर सॉल्यूशन मांगते हैं और निकालते हैं क्या पूछ रहा है आपसे, वन बटे अल्फा प्लस वन बटे बीटा जो पूछ रहा है वही निकालना है। एक बात बताओ अल्फा इंटू बीटा का कोई पूछेगा एलसीएम निकालो, अल्फा इंटू क्या होगा बीटा, जब वहां अल्फा है वहां उतरेगा बीटा, जब वहां बीटा है वहां उतरेगा अल्फा। एक बात बताओ अभी तुरंत फॉर्मूला लिखाए, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला बताओ माइनस बी बटे ए, कोई पूछेगा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बताओ, तुरंत अभी लिखाए अल्फा इंटू बीटा का मान फॉर्मूला जो होता है सी बाय ए होता है। एक बात बताओ क्या इसको कोई पूछेगा पलटा सकते हैं, बिल्कुल पलटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल पलटा सकते हैं। कोई पूछेगा कैसे पलटाए, कोई कैसे पलटाए,
इधर देखो माइनस बी बटे ए है तो माइनस बी बटे ए गुना है, ये जो ए नीचे है ये कहां जाएगा ऊपर, सी कहां आएगा नीचे। एक बार बताओ बी का मान बोलो, बी का मान है माइनस तीन, माइनस एक गो हिसाब से एक गो फॉर्मूला से। एक बार बताओ ए का मान बोलो, ए का मान कोई पूछेगा दो गुना है तो गुना, ए का मान फिर वहां है ए का मान दो, सी का मान बताओ सी का मान पांच है तो पांच, दो से दो क्या हो गया बोलबम, यानी कि सावन के महीने में बोलबम चला गया, माइनस को माइनस से गुना करिएगा बोलिएगा तीन, नीचे बैठेगा पांच, नजर उठाओ आंसर पाओ मेरे भाई। मैं बताना चाहूंगा कहाँ है तीन बट्टे पांच, ए फोर आओ कभी हवेली में, यानी कि राइट आंसर। इसके बाद क्या बी होगा कोई पूछेगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं। तो धीरे धीरे सफर तनहा तनहा करते हुए हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चन क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। आइए और छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन है उसको भी निपटारा कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग बहुपद में अगले जो आएंगे बहुत बेस्ट लेके आएंगे। आप जो इस YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, इस YouTube चैनल का नाम है अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज। एक बार आप लोग जरूर सर्च मारिएगा, सर्च मारने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी के साथ आइए क्वेश्चन नंबर 15 तक बहुत अच्छे हो गए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का था मेरे भाई फिर से वही एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस 12 बराबर जीरो का एक मूल है, यानी कि फिर वही मूल पूछा है। यदि क्वेश्चन नंबर 16 आप बनाइएगा तो कोई डरने वाली कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसान भाषाओं में और बिल्कुल इजी भाषा में समझते हैं। आप बताइए 2x स्क्वायर का एक मूल है, मूल निकालने के लिए हम क्या किए वही फिर पहले समीकरण यानी कि जो दिया हुआ है बहुपद वो उतार लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12 यानी कि फिर क्या बोले गुणनखंड विधि बनाओ, पहले 12 को 2 से गुना करो, 12 को 2 से गुना करेंगे आप बोलिएगा 24, 24 को तोड़ो 24 गुना 1 8 को तोड़ो 8 गुना 3 और बताओ 6 चौके 24, और किसी से टूटता है तो आप कमेंट पर बताइए 12 दूना 24 और बताइए आप बोलिएगा और कोई ऐसा नहीं है जो नहीं टूटेगा। अब ऐसा हमको लेना है घटा करके या तो जोड़ करके दो संख्या में हमको 5 24 में एक घटाएंगे 23 24 में एक जोड़ेंगे 25, ये तो नहीं होगा, ये लगता है हो जाएगा 8 में 3 घटाएंगे 8 में यानी कि 8 और 3 लेंगे मेरा काम क्या हो जाएगा बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में है, इसका मतलब क्या उतरेगा कोई पूछेगा, इधर उतरेगा 8x माइनस उतरेगा 3x इधर होगा माइनस 12। अब कोई पूछेगा आप 2x को क्या ले सकते हैं कॉमन, जैसे 2x को कॉमन लिए वहां बचेगा x प्लस 4 माइनस है तो माइनस को क्या लीजिए कॉमन, जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा 3 वहां क्या होगा कॉमन, यहां क्या बचेगा x, यहां कोई पूछेगा क्या होगा 4, यानी कि आपको एक गुना कीजिए देखिए मिल रहा है 3 को x से 3x माइनस गुना प्लस माइनस 4 दिया 12 यानी कि मिल रहा। आप देखिए पहला उतार दीजिए x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3, एक गो इसको लिए एक गो इसको दोनों में से इसको इसको, गुणनखंड चेक इन करने का एक नियम है दोनों साइड क्या होना चाहिए बराबर। आ जाइए जब इसको x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 है x प्लस इधर जाएगा माइनस x बराबर 3/2 हो गया। तो एक बात बताइए कोई पूछेगा कोई दोनों में से एक दिखना चाहिए, एक बात बताओ पाउडर क्रीम लगा के कौन तैयार है आप बोलिएगा 16 का ए फोर आओ कभी हवेली में नहीं जा रहा है क्रीम लगा के, बी फोर बरकी बहू भी नहीं जा रहा है, इसके बाद लगता है माइनस 4 एक गो देखिए क्या हो गया मिल गया इसका दिल नहीं जला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का सी मेरे भाई क्या है राइट आंसर है। आइए
बिना समय गवाए अब हम लोग 17 पढ़ते हैं। कहता है जिसके शून्य, फिर यही क्वेश्चन, एक बार ये क्वेश्चन का जवाब हमने आपको दे चुका है। पहले फॉर्मूला लिख लो, बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमने क्या बोला, जैसे ही दो मान है, एक को जीरो है दूसरा पांच है, अल्फा मानो जीरो को बीटा मानो पांच को, मान बैठाओ अल्फा का मान जीरो बीटा का मान पांच, एक्स के एक्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान जीरो और बीटा का मान पांच। आप बोलिएगा एक्स स्क्वायर माइनस जीरो और पांच को जोड़ेंगे पांच एक्स, जीरो को गुना करेंगे जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स जहां आपको दिखाई दे वही मारिए टिक और एक नंबर जरूर पाइए। आइए तो आप देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पांच को ही पूछेगा, ये तो नहीं है। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स लगता है मेरे भाई ये क्या है, ये इसमें इसमें दो दो, अच्छा मेरे भाई एक मिटा देता हूँ, इनमें से है कोई नहीं, एक है कोई नहीं, यानी कि बी क्या हो गया मेरा सही, सी और डी क्या हो गया गलत, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स मेरा क्या हो गया सही। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं, फिर यही कहता है ये क्वेश्चन आपके जिम्मे पे क्या छोड़े, हम बना ही देते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसका मान ए इसका मान बी इसका मान सी, एक बात बताओ पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, 18 का सॉल्यूशन अल्फा प्लस बीटा का मान को ही पूछेगा, माइनस बी बाई ए, बी का मान डबल है तो एक, माइनस डबल हो गया तो इसके कारण क्या हो गया प्लस, ए का मान 6। आप बताइए कोई पूछेगा ए फोर आओ कभी हवेली में, बी फोर बरकी बहू, सी फोर कंपनी, डी फोर दिल जले, एक बात बताइए कोई पूछेगा ना तो दिल जले ना तो कंपनी ना तो बरकी बहू, कोई पूछेगा बताओ आ जाओ हवेली में, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट यानी कि बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ ग्राफ लेकर। कोई पूछेगा ग्राफ में कौन चीज, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो हमारे अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर की वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ बहुत जल्द लेके आते हैं ग्राफ और वो भी ग्राफ मजेदार, तो बने रहिए हमारे क्लासेस के साथ और देखते रहिए आज तक। इसी के साथ जय हिंद।